हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्या कथीरिया एंड जैसे कि हम लोग कंटिन्यू करें हमारा OCM सब्जेक्ट और आज हम लोग शुरू करने वाले हमारा चैप्टर नंबर 3 एंड इज दैट प्लानिंग। अब उसमें देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें कहीं पे टूर पे जाना है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे कपड़े कौन से होंगे, कितने दिन तक जाएंगे, कितना मतलब हमारा टिकट वगैरह होगा, फाइनेंस कितना होगा, कौन से व्हीकल से जाएंगे, कौन सी प्लेस के ऊपर जाएंगे, ये सब कुछ हम लोग सर्च करके रखेंगे। हाँ, वहाँ पे खाना कौन सा मिलने वाला है या फिर घर से लेके जाना पड़ेगा, होटल का व्हाटएवर जो भी है वो हम सब कुछ पहले देखेंगे, फिर देन आफ्टर उसका प्रॉपर शेड्यूल बनाएंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, टूर पे जाएंगे। क्लियर? तो हम लोगों ने क्या किया, इन शॉर्ट फ्यूचर के लिए राइट नाउ प्रेजेंट में कुछ प्रिपेयर किया, सोचा कि हम लोग ऐसा करेंगे फ्यूचर में, तो वो और कुछ नहीं हमारा क्या हो जाता है, प्लानिंग। क्लियर? यानी कि आप फ्यूचर के काम के लिए प्रेजेंट में कुछ डिसाइड करते हो तो वो आपका क्या बन जाता है, प्लानिंग। क्लियर? अब प्लानिंग अगर हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया ना, तो उसके वजह से क्या होगा, हमारा फ्यूचर का जो काम है ना वो थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा। यानी कि अगर टूर पे जाने से पहले हम लोगों ने पूरा शेड्यूल प्रिपेयर कर लिया कि इतने बजे निकलेंगे, ये बस में जाना है वॉट एवर, या फिर पर्सनल व्हीकल होगा, वहाँ पे जाके ये होटल में जाना है, ये डेस्टिनेशन पे जाना है, तो उस टाइम पे जाके हमें क्या करना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, हम लोग डायरेक्टली एक्शन ले पाएंगे। क्लियर? अदरवाइज तो वहाँ पे जाके सोचेंगे कि कोई होटल मिलेगा या फिर बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, कौन से प्लेस पे जाएंगे, ये सब कुछ हम लोग एट दैट टाइम नहीं सोचेंगे, पहले से सोच के रखेंगे। क्लियर? तो उसके वजह से हमारा फ्यूचर का जो काम है वो कैसा हो जाएगा, इजी हो जाएगा और बहुत अच्छे से भी हो पाएगा। क्लियर? आइए हम लोग डेफिनेशन देखते हैं गाइस। डेफिनेशन 1 मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बहुत सारे टाइम पूछा गया है। उसका क्या होता है, और खास आपको ऐसा पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, यानी कि जॉर्ज आर टेरी है, उन्होंने प्लानिंग का डेफिनेशन क्या दिया है, तो देखते हैं। फंक्शंस ऑफ अ प्लानिंग मीन्स, यानी कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है, अजम्पशन फॉर रिजल्ट, यानी कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा अगर ऐसा कुछ काम करते हैं, तो उसके लिए हमें पहले से क्या प्रिपेयर करने पड़ेंगे, अजम्पशन, यानी कि ऐसा हम लोग फ्यूचर में करेंगे। क्लियर? तो ऐसा रिजल्ट मिलेगा। पॉलिसी टू फॉलो फंक्शन, यानी कि अगर हमें फंक्शन को फॉलो करना है तो हमारा पॉलिसी क्या रहेगा, हम लोग कैसे काम करेंगे। एंड स्टेजेस, एंड टू डिसाइड द मेथड टू बी फॉलो, और फिर उसके कितने स्टेजेस रहेंगे, कितने स्टेप में हम लोगों को काम करना पड़ेगा, फिर उसका मेथड कौन सा होगा, अगर काम करेंगे तो कौन से मेथड से करेंगे, ये सब कुछ हम लोग डिसाइड कर लेते हैं पहले से, तो वो हमारा क्या बन जाता है, प्लानिंग। क्लियर? अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, फंक्शंस ऑफ अ प्लानिंग मीन्स अजम्पशन फॉर रिजल्ट्स, पॉलिसी टू फॉलो फंक्शंस, स्टेजेस एंड टू डिसाइड द मेथड्स टू बी फॉलो, यानी कि ये सब कुछ जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया है उसका फॉलो करने का मेथड कौन सा होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लानिंग। क्लियर? तो हम नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि अगर प्लानिंग प्रिपेयर किया है तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जिसके वजह से हमारा प्लानिंग बेस्ट और एफिशिएंट हो सकता है। क्लियर? तो फर्स्ट वन देखते हैं, यूनिवर्सल प्रोसेस, यानी कि ऑफ कोर्स हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि हमारा मैनेजमेंट ही कैसा है, यूनिवर्सल है, तो मैनेजमेंट के अंदर जितने फंक्शन आएंगे फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोलिंग वो सारे भी कैसे होने वाला है, यूनिवर्सल, यानी कि जहाँ पे मैनेजमेंट होगा वहाँ पे उसके सारे फंक्शन होने ही वाले हैं। उसमें देखते हैं, प्लानिंग इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस, क्योंकि अगर हम लोगों को छोटे से छोटा काम भी करना है ना तो गाइज हम लोग प्लानिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें स्कूल भी जाना है ना तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई हमें इतने बजे रेडी होना है, ये टिफिन लेके जाना है, इतने बुक्स रखने हैं, या फिर ये होमवर्क था वो मैंने कर दिया है कि नहीं, वॉट एवर, ये सब कुछ हम लोग डिसाइड करते हैं, वो हमारा क्या है, प्लानिंग है, हम लोग सिर्फ उसको ऑफिशियल नाम नहीं देते हैं। क्लियर? फिर देखते हैं, इट्स ऑल्सो प्रेजेंट इन एवरी फील्ड, लाइक ये बहुत सारी फील्ड है जहाँ पे सब जगह पे होता है, इन रूटीन लाइफ भी ले लो, अगर हाउसवाइफ से लेके प्रोफेशनल मतलब जितने बंदे होते हैं उन सबके लाइफ में प्लानिंग कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता ही है। बिजनेस ले लो, एडुकेशन ले लो, पॉलिटिक्स ले लो, रिलीजियस ले लो, ऐसी बहुत सारी फील्ड है, स्पोर्ट्स है एंड ऑल दैट, उन सब में हमें प्लानिंग चाहिए होगा। इन शॉर्ट गाइज अगर हमें टाइम पास भी करना है ना अपने फ्रेंड के साथ तो भी प्लानिंग करना पड़ेगा कि भाई ये सारे बंदे कहाँ पे फ्री होंगे, कहाँ पे मिलेंगे, क्या खाना खाएंगे एंड वॉट एवर। क्लियर? तो प्लानिंग हर जगह पे अवेलेबल है। सेकेंड मैंने प्राइमरी फंक्शन, ऑफकोर्स हमारे मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन क्या है, प्लानिंग, और फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है, यानी कि जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा आगे का प्रोसेस हम लोग कंडक्ट ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर? प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन,
मैनेजमेंट स्टार्ट विथ प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग होगा तो आगे का प्रोसेस कंटिन्यू हो पाएगा। इट्स अ फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट गाइस। यहाँ पे खास नोट करना, वन मार्क में आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट क्या होगा? प्लानिंग, एंड लास्ट क्या होगा? कंट्रोलिंग। क्लियर? विदाउट प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग कैन नॉट इम्प्लीमेंट। यानी कि प्लानिंग ही नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन किसका करेंगे, कंट्रोल किसके ऊपर रखेंगे, स्टाफ क्यों अपॉइंट करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो कुछ प्लानिंग ही नहीं है। क्लियर? यानी कि प्लानिंग होगा तो मैनेजमेंट आगे चलेगा। क्लियर? थर्ड वन है कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस। अब प्लानिंग आप जितना इजी सोच रहे हो उतना इजी होता भी नहीं है। हम लोग एक टूर पे जाने के लिए भी इतना ज़्यादा सोचना पड़ता है, तो अगर बिजनेस के लिए प्लानिंग प्रिपेयर होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस और मेंटल प्रोसेस होता है, जिसमें बहुत मतलब हमें बहुत सोच सोच के कदम रखने पड़ते हैं, क्योंकि हम लोग जैसा सोचेंगे जैसा प्लानिंग करेंगे वैसा फ्यूचर में हमें इम्प्लीमेंट भी करना है, और जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका रिजल्ट भी मिलेगा। क्लियर? तो हमें रिजल्ट के बारे में भी सोचना है। यहाँ पे देखते हैं पिक्चर्स ऑफ अ कॉन्शियस एंड मेंटल। यहाँ पे पिक्चर की जगह पे प्लानिंग आएगा। प्लानिंग इज कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। प्लानिंग इज कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। जितना ज़्यादा अच्छे से सोचेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर कुछ मतलब डेफिशिएंसी रह गई है तो उसका हम लोगों को भुगतान फ्यूचर में करना पड़ेगा। इट्स अ कैलकुलेट अजम्पशन एंड एस्टिमेट द आइडियाज अबाउट फ्यूचर। हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए ही अभी से कुछ अजम्पशन करते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा करेंगे तो ऐसा रिजल्ट मिल सकता है। तो ये सब कुछ आइडियाज हम लोग कहाँ पे सोचते हैं, प्रेजेंट में सोचते हैं, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। तो इस तरीके से हमारा जो प्लानिंग है वो कैसा है, कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस है। क्लियर? और ज़्यादातर कोई बिजनेस कंपनी है या फिर कोई इंडस्ट्री वगैरह है, वहाँ पे ऑलवेज प्लानिंग को प्रिपेयर करने के लिए एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट वन जो हमारा है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि अगर हम लोग कोई मैनेजमेंट करते हैं तो वो हम लोग किसके ऊपर अप्लाई करते हैं या फिर किसके थ्रू ये काम करवाते हैं, तो हमारे एम्प्लॉयज़ के थ्रू। क्लियर? तो अगर ज़रूरी नहीं है कि कोई सिचुएशन आती है तो हम लोग सेम टू सेम प्लानिंग अप्लाई कर ही पाएंगे। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर नेसेसरी है तो थोड़ी बहुत चेंज करने के लिए उसको फ्लेक्सिबल भी रखना पड़ेगा, अदरवाइज रिजिड प्लानिंग कोई काम का होता नहीं है। प्लानिंग इज अ वन टाइप ऑफ अजम्पशन एंड कैलकुलेशन। ये क्या है, हमारा एक हाइपोथेटिकल माइंड है, उसमें हम लोगों ने सोचा है कि हमारा अगर ऐसा काम होगा तो ऐसा रिजल्ट मिलेगा। ये हमारे टोटली अजम्पशंस है। क्लियर? ऐसा हो सकता है ऐसा करके। एंड बिजनेस इज अफेक्टेड बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। यानी कि बिजनेस में इंटरनल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं और एक्सटर्नल भी अफेक्ट करते हैं, और जबकि एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। क्लियर? एक्सटर्नल फैक्टर कैन नॉट कंट्रोल बाय ह्यूमंस। यानी कि कोई अगर नेचुरल क्लैमिटीज आती है तो हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा। क्लियर? बिकॉज ऑफ अ एक्सटर्नल फैक्टर नेसेसरी चेंज शुड बी मेड इन अ प्लानिंग एज पर सिचुएशन। अगर एक्सटर्नल फैक्टर को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो हमें उसके लिए थोड़ा बहुत मतलब बैकअप प्लान भी रखना पड़ेगा कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम लोग ऐसे भी काम निकलवा सकते हैं। तो उसके वजह से हमारा प्लानिंग कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो हम लोग थोड़ा बहुत अच्छा चेंजेस वहाँ पे कर सके। दस द प्लानिंग इज अ फ्लेक्सिबल एंड दैट्स वाई द बिजनेस कैन कॉप अप विद द एक्सटर्नल फैक्टर्स। प्लानिंग फ्लेक्सिबल होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो फ्लेक्सिबल होगा तो हम लोग सिचुएशन के हिसाब से कोई भी चेंज करके वो सिचुएशन को कॉप अप कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन है प्रिसाइज। यानी कि अगर प्लानिंग प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें प्रिसीजन का होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि चलो प्लानिंग प्रिपेयर किया तो ऐसा होगा तो भी चलेगा, ऐसा होगा तो भी चलेगा। नहीं, अगर प्लानिंग प्रिपेयर किया है तो 109% ऐसा होना ही चाहिए और ऐसा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो उसमें मतलब थोड़ा सा प्रिसीजन तो होना बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर? चौकसाई होना बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग इज़ फॉर फ्यूचर एंड फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। यानी कि प्लानिंग टोटली किसके लिए है, फ्यूचर के लिए है, और फ्यूचर का क्या पता कल उठेंगे नहीं उठेंगे। क्लियर? तो प्लानिंग स्टडीड अबाउट द स्टैटिस्टिकल एंड कलेक्शन इन्फॉर्मेशन। प्लानिंग सबसे पहले किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, हमारे डेटा के ऊपर। हमारे पास कैसे इन्फॉर्मेशन आती है उसके हिसाब से हम लोग कैसा उसको बाइफर्गेट कर पाता है, इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, वो सब हमें यहाँ पे देखना पड़ता है। क्लियर? ऑल द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी परफेक्ट एंड प्रिसाइज, क्योंकि जैसा इन्फॉर्मेशन होगा उसके हिसाब से हम लोग आगे के फ्यूचर के लिए कुछ डिसीजन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें रिपोर्ट मिल रहा है कुछ अलग और हम लोग डिसीजन ले रहे हैं कुछ अलग, तो उसके वजह से प्लानिंग में प्रिसीजन की कमी आ सकती है और हमारा ऐसा हो सकता है कि प्लानिंग टोटली फ्लॉप भी हो जाए। यानी कि हमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो सारी इन्फॉर्मेशन राइट हो, ऐसी श्योरिटी हमारे पास होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट वन जो है वो है फोरकास्टिंग इज एसेंशियल। ऑफकोर्स
फ्यूचर के लिए प्लानिंग हो रहा है तो फोरकास्टिंग तो करना ही पड़ेगा, तो ही प्लानिंग होगा ना। प्लानिंग इज अ कंसिडरिंग द फोरकास्टिंग, यानी कि प्लानिंग फोरकास्टिंग को कंसिडर करता है, यानी कि फ्यूचर के लिए कुछ राइट नाउ में अगर हम लोग बातें कर रहे हैं या तो फिर फ्यूचर के लिए कुछ डिसीजन ले रहे हैं तो वो क्या हो जाता है कि फोरकास्टिंग, अगर हम ऐसा करेंगे तो फ्यूचर में ऐसा रिजल्ट मिलेगा। एंड फोरकास्टिंग इज कंसिडरिंग फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, प्लानिंग फोरकास्टिंग को कंसिडर करेगा और फोरकास्टिंग में तो मतलब अनसर्टिनिटी भर भर के पड़ी है, क्योंकि कल क्या होने वाला है वो किसी को पता नहीं है। तो कल आज हम लोगों ने जिस सिचुएशन के हिसाब से प्लानिंग प्रिपेयर किया है, हो सकता है कि कल वो सिचुएशन ना भी हो, तो उसके हिसाब से भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा। फोरकास्टिंग इज अ कनेक्टेड विद द प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग के साथ वो कनेक्टेड है, एंड दैट्स वाई फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग आर द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि फोरकास्टिंग होगा तो ही प्लानिंग कंप्लीट होगा, क्योंकि प्लानिंग टोटली किसके ऊपर डिपेंड्स है और किसके रिलेटेड बातें करता है, फ्यूचर में, और फोरकास्टिंग में भी वही है, सेम है, क्लियर। तो प्लानिंग और फोरकास्टिंग सेम जैसे ही है, सिमिलर ही है, जहाँ पे फ्यूचर की रिलेटेड बातें होगी और उसमें खास ध्यान रखना है कि जितनी अनसर्टेनिटीज है उसके रिलेटेड हमारे पास थोड़ा बहुत बैकअप प्लान होना चाहिए। देन फिर नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अगर हमारा मेन प्लान काम नहीं कर रहा है तो हमारे पास कोई और ऑप्शन भी होना चाहिए, क्योंकि राइट नाउ अगर कोई सिचुएशन हैपन होती है जिसके हिसाब से हमारे पास प्लानिंग नहीं है तो हम आगे का कोई वर्क कंडक्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्लियर। या तो फिर फ्यूचर में कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि भाई चलो आपके प्लानिंग के हिसाब से कोई मतलब सेट नहीं हो रहा है, तो हमें एट दैट टाइम प्लानिंग प्रिपेयर करने के लिए नहीं बैठना है, हमारे पास पहले से प्लानिंग होने चाहिए। फिर एट दैट टाइम हमें सिर्फ क्या चूज़ करना है, हमारे पास ऑप्शन जो है ना उसको ही चूज़ करना है कि ये ऑप्शन बेस्ट रहेगा कि अगर मेन प्लान जो है वो काम नहीं कर रहा है तो, क्लियर। प्लानिंग इन एनी फील्ड इंक्लूड, प्लानिंग में क्या होगा, वेरियस प्लान्स होंगे, अल्टरनेटिव्स होंगे, आइडियाज़ होंगे, ये सब कुछ मिला के हम लोग प्लानिंग प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव्स प्लान होने चाहिए, आइडियाज़ होने चाहिए कि अगर ये काम नहीं कर रहा है तो सेकेंड में ये नहीं फिट हो रहा है तो ये बेस्ट होगा, क्लियर। यानी कि हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होने चाहिए, रास्ते खुले होने चाहिए। फॉर इंक्रीजिंग सेल अवेलेबल अल्टरनेटिव्स, यानी कि अगर हमें सेल को इंक्रीज करना है हमारे बिजनेस के लिए तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल है इंक्रीज एडवर्टाइजमेंट, हम लोग एडवर्टाइजमेंट करके भी सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं। अगर एडवर्टाइजमेंट का हमारे पास मतलब पैसा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस प्राइस, यानी कि पॉसिबल है तो प्राइस को रिड्यूस करो ताकि आपका कॉस्ट कम हो जाए, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। फिर डिफरेंट ऑफर्स, यानी कि आप अलग अलग ऑफर दे सकते हो कस्टमर को कि भाई आपका इतना डिस्काउंट मिलेगा, इतना परसेंट है, एक के ऊपर एक फ्री मिलेगा एंड वॉट एवर। फिर डिस्काउंट, आप डिस्काउंट दे सकते हो कि भाई अगर आप 500 से ज़्यादा परचेसिंग करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा एंड ऑल दैट। फिर ट्रेनिंग टू सेल्समैन, हम हमारे सैम्पल्स को, गुड्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए सेल्समैन को भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो मतलब एक काम करने के लिए हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है, तो सेम एज इट इज़ प्लानिंग के लिए भी हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन अवेलेबल होने चाहिए, ताकि अगर कोई एक ऑप्शन काम नहीं कर रहा है तो हम लोग सेकेंड के ऊपर स्वाइप कर सके, क्लियर। प्लानिंग मीन्स सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द लिस्ट, यानी कि प्लानिंग का मतलब क्या है, ये सारे अल्टरनेटिव हमारे सामने हैं, फिर हमें देखना है कि इसमें से कौन सा अल्टरनेटिव हमारे बिजनेस के लिए फिट होगा ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो पाए, क्लियर। नेक्स्ट वन जो हमारा है वो है कंसर्न विथ फ्यूचर, यानी कि ऑफकोर्स प्लानिंग टोटली फ्यूचर के रिलेटेड ही बात करता है, उसमें फोरकास्टिंग भी करता है, यानी कि हम लोगों को टोटली जितनी फ्यूचर में अनसर्टिनिटी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि होगी ही, हमारे पास ऐसा हो सकता है कि भाई ये डिसएडवांटेजेस हो सकता है, ये सिचुएशन हो सकती है, तो ये सारी सिचुएशन के बारे में अभी से सोच के रखना है ताकि उन सब सिचुएशन के लिए हम लोग अल्टरनेटिव प्रिपेयर कर पाए, और जब भी अगर ऐसी सिचुएशन हैपन होती है तो हम लोग उसमें से डायरेक्टली अल्टरनेटिव चूज कर पाए, क्लियर। उसमें देखते हैं प्लानिंग प्रिज्यूम द अनसर्टेनिटी इज इन्वॉल्व इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में जो भी अनसर्टेनिटी अवेलेबल हो सकती है उन सब के बारे में हम लोगों को अभी से पहले से ही सोच के रखना है। फर्स्ट द प्रिज्यूम इज डन, यहाँ पे गाइस प्रिज्यूम होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, एंड देन आफ्टर द फोरकास्टिंग एंड अजम्पशन डन, प्लानिंग इज रिलेटेड विद द फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन, एंड सो फर्स्ट इवेल्यूट द फ्यूचर एंड देन आफ्टर मेकिंग एंड अरेंजमेंट, यानी कि पहले हमें फ्यूचर को इवेल्यूट करना है कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, अगर हमारा ये प्लानिंग है तो ऐसी डिसएडवांटेजेस, ऐसी मतलब सिचुएशन आ सकती है, तो वो सारी सिचुएशन के रिलेटेड हम लोग पहले से प्लान करके रखेंगे ताकि जब भी सिचुएशन हो हमें सिर्फ अप्लाई करना हो,
फिर एट दैट टाइम क्या होगा, अगर हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं होगा तो, अगर हमारा प्लान काम नहीं कर रहा है तो हम लोग उस टाइम पे सोचने के लिए बैठेंगे, तब तक तो अपॉर्चुनिटी कहीं पे भी चली गई होगी। यानी कि बिजनेस में क्या होता है, आप एक दो मिनट के भी डिले कर देते हो ना, तो बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से चली जा सकती है। यानी कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट वन है कंटिन्यूस प्रोसेस। ऑफकोर्स कंटिन्यूस होने वाला है, क्योंकि हमारे काम कभी ख़त्म होते नहीं है, और उन सब के लिए जो हमारा प्लानिंग होता है वो भी कभी ख़त्म नहीं होता है। एक काम करोगे उसके लिए प्लानिंग करोगे, वो खत्म होगा दूसरा काम आएगा उसके लिए प्लानिंग करोगे, यानी कि ऐसे कैसा होता जाएगा, कंटिन्यूस ही रहेगा जब तक आपका बिजनेस चलेगा तब तक। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग इज ऑल्सो डन फॉर द फर्स्ट फंक्शन एंड ऑल्सो डन फॉर लास्ट फंक्शन। यानी कि आप कोई एक काम या फिर कोई एक असाइनमेंट, कोई टास्क शुरू करते हो, तो टास्क में जितने भी काम है ना, उन सब के लिए प्लानिंग चाहिए होगा। यानी कि आप जब से उठते हो वहाँ से लेके आप जब तक सोते हो, तब तक सारे काम के लिए आपका कोई ना कोई प्लानिंग चाहिए ही होगा, क्योंकि तो ही हमारा काम स्मूथली हो सकता है। अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन इट्स ऑल्सो चेंज। फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को कंपलसरी उसको करना ही करना है, टाइम के हिसाब से हमें देखना है कि ये सूटेबल है कि नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से भी देखना है, और हमें ऐसा प्लानिंग प्रिपेयर करना है जो सबके रिलेटेड फिट भी हो जाए और हमारे बिजनेस के फायदे में होना चाहिए। क्लियर? तो ही प्लानिंग काम का होगा, अदरवाइज उसको क्या करेंगे। फिर नेक्स्ट वन है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटीज़। ऑफकोर्स अगर हम लोग प्लानिंग प्रिपेयर करते हैं तो हमारा जो गोल होगा उसके रिलेटेड प्लानिंग करेंगे ना। अगर हमारा बिजनेस है गारमेंट्स का और हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कोई ग्रॉसरी शॉप का एंड ऑल दैट, तो ऐसा नहीं होगा। हमारा जो गोल है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, उसके रिलेटेड ही प्लानिंग होना चाहिए। क्लियर? बिजनेस फर्स्ट डिसाइड द गोल एंड देन आफ्टर डूइंग अ प्लानिंग फॉर गोल। पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा गोल डिसाइड करते हैं और फिर उसके लिए हम लोग हमारा प्लानिंग प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि गोल ही नहीं होगा तो प्लानिंग किसके लिए करेंगे। क्लियर? मैनेजमेंट डिसाइड द फ्यूचर टारगेट्स। यानी कि मैनेजमेंट क्या करेंगे, फ्यूचर के टारगेट डिसाइड करेंगे कि भाई इस साल हमें इतना प्रॉफिट अर्न करना है, इतना सेलिंग करना है, इतना हमारा बिजनेस को एक्सपांड करना है एंड वॉट एवर, एंड प्लानिंग ट्राई टू अचीव द डिसाइड टारगेट। और प्लानिंग क्या करेगा, वो डिसाइडेड टारगेट को अचीव करने की ट्राई करेगा। अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इज बिकम्स ईजी वैन प्लानिंग इज प्री डिसाइडेड। यानी कि अगर हमारा प्लानिंग पहले से डिसाइडेड है तो हमारा गोल अचीव करना का जो प्रोसेस है वो कैसा हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। क्लियर? और लास्ट वन कैरेक्टरिस्टिक इज दैट रिक्वायर्स डिसीजन प्रोसेस। अगर हमें कोई डिसीजन लेना है तो हम लोग ऐसे ही हवा में तीर नहीं चला देते, सारी सिचुएशन को एग्जामिन करेंगे, फिर देन आफ्टर डिसाइड करेंगे कि ये रेडी है कि नहीं है। लेकिन डिसीजन के लिए भी हमें प्लानिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि कोई डिसीजन लेंगे तो हमारे पास कोई ठोस इन्फॉर्मेशन चाहिए, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, फिर उसमें से जो चाहिए होगी वो रखेंगे, उसको थोड़ा बहुत मतलब क्लैरिफाई करेंगे, डिटेल से देखेंगे, फिर कुछ कर पाएंगे आगे। क्लियर? प्लानिंग इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ अ बेस्ट अल्टरनेटिव एंड दिस इज वन टाइप ऑफ डिसीजन। प्लानिंग में होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से सारे अल्टरनेटिव पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं। क्लियर? और फिर उसमें से जो सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट वन फिट होता है ना, उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो भी क्या है, प्लानिंग ही है। यानी कि वन टाइप ऑफ डिसीजन ही तो लेना है ना। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोगों ने देखा था कि सेल्स को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास क्या क्या अल्टरनेटिव थे, तो वो जो 5 और 6 अल्टरनेटिव्स है उसमें से एक का तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना, कि हम लोग फर्स्ट या सेकंड वन वाला चूज कर रहे हैं। तो वो भी क्या हो गया, वन टाइप ऑफ डिसीजन प्रोसेस ही हो गया। प्लानिंग मेड द वेरियस अल्टरनेटिव विद द हेल्प ऑफ अजम्पशन। हम हमारे अजम्पशन के थ्रू सिचुएशन के लिए बहुत सारे अलग अलग अल्टरनेटिव्स प्रिपेयर करेंगे, ताकि सिचुएशन के टाइम पे हम लोग उसको डायरेक्टली सिलेक्ट कर पाए। सो दैट्स वाई द प्लानिंग इज अ नेसेसरी फॉर द डिसीजन प्रोसेस, बिकॉज इट्स ऑल्सो वन टाइप ऑफ डिसीजन प्रोसेस। इसीलिए प्लानिंग डिसीजन प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो भी एक खुद क्या है, डिसीजन ही है। क्योंकि पहले से देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर प्लानिंग करना है तो हमारे पास पहले तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, डिसीजन ले रहे कि कौन सा इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर इन्फॉर्मेशन आ जाने के बाद उसको बाइफरगेट करेंगे, तो हम लोग अगेन डिसाइड करेंगे कि कौन सा इन्फॉर्मेशन हमारे बिजनेस के रिलेटेड है। क्लियर? फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे कि भाई ये इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमें क्या अजम्पशन मिल सकते हैं, और अजम्पशन में से क्या अल्टरनेटिव होंगे, अल्टरनेटिव में से अगेन डिसीजन लेंगे कि कौन सा चूज करना है। यानी प्लानिंग में डिसीजन पहले से ही इन्वॉल्व है। क्लियर गाइस? तो ये हो गए हमारे आज के प्लानिंग के टोटल 11 कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। एंड यस, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। एंड अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ज़रूरत है तो आप उसके साथ
शेयर कर सकते हो। बाय गाइज़।